केम छो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है फ्राइडे और अभी बजे दोपहर के 2:30 और आज का दिन है ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुबह में जल्दी तो मैं उठ गई थी, पर उसके बाद हम लोग वॉक करने के लिए गए क्योंकि आज यहाँ का वेदर है ना इतना गर्म, इतनी गर्मी हो रही है, समर में जैसी गर्मी होती है ना उतनी गर्मी आज हो गई है। कल तक सब कुछ ठीक था, परफेक्ट वेदर था और आज ऑल ऑफ अ सडन इतनी गर्मी हो गई है। तो फिर सोचा कि चलो सुबह सुबह में ही वॉक करने चले जाते हैं क्योंकि शाम को तो फिर गर्मी होगी और कभी कभी मच्छर भी रहता है, तो इससे अच्छा कि सुबह में फ्रेश हवा मिल जाए। तो उसके बाद मैं बच्चों को पूछ रही थी कि आज शाम को क्या खाना है क्योंकि फ्राइडे है तो ऑब्वियसली कुछ अलग चाहिए होता है। तो फिर वो दोनों ने बोला कि मैक्सिकन बना दो, तो आई वाज लाइक ठीक है भाई चलो अपने ग्रॉसरी स्टोर पे। तो वेगमैन्स में गई थी क्योंकि मैक्सिकन बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें थे, थोड़ी चीज़ें नहीं थी मेरे पास, तो बस वो सब कुछ ला के यहाँ पे क्लीन करके रखा। और अभी भी मेरे पास थोड़े फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो मुझे क्लीन करने बाकी है। पर आई एम टेलिंग यू गाइस, ग्रॉसरी शॉपिंग नाउ डेज ना इट्स नॉट फन एट ऑल, क्योंकि पहले तो आप इतने प्रिकॉशन लेके जाओ, उसके बाद वहाँ जाके आपकी लिस्ट तैयार है तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि फटाफट से फिर जो भी आपको लेना है ना वो लेके आप निकल सकते हो और घर आके ये सब कुछ वापस क्लीन करो, तो 2-3 घंटे तो ईजिली उसी में चले जाते हैं ना। तो बस मेरा सुबह से दोपहर का यही चला है। और मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का ये मुझे मालूम नहीं था, पर देश से कि ना अभी ये सब कुछ चल रहा है ना तो इंटरनेशनल जो भी जो पार्सल वगैरह है जो भी करना है ना वो अभी तक बंद है। क्योंकि शुरू में ये सब कुछ जब हुआ ना तब मैंने इंक्वायरी की थी क्योंकि मुझे कुछ भेजना था इंडिया, तो तब उन लोगों ने बोला था कि यू नो वी डोंट सेंड एनीथिंग ओवरसीज अभी। और आई थॉट कि अभी तो सब कुछ खुल गया होगा, पर अभी भी कुछ नहीं खुला है। बोले कि इफ़ यू हैव लाइक डॉक्यूमेंट टू सेंड देन दे कैन डू इट, अदर देन दैट आपको कोई चीज़ वगैरह कुछ भेजना है तो वो अभी भी बंद है। तो बस वहाँ पे गई थी, पोस्ट ऑफिस गई, वेगमैन्स गई, और टैको बेल ब्रांड की जो चीज़ें रहती है ना वो मुझे चीज़ खाली वॉलमार्ट में ही मिलती है, तो उसके लिए मुझे चाहिए था वो सॉस वगैरह। But then I was like, forget about it, you know, just वो 2-3 चीज़ें चाहिए ना उसके लिए मैं नहीं जाने वाली वॉलमार्ट, यहाँ से मुझे वेगमैन्स में जो मिलेगा मैं ले लूँगी। तो बस वो सब कुछ मैं लेके आई। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये डिनर सेट मैंने अपने लिए लिया, क्यूट है ना, आई रियली लाइक द कलर उसका। तो इसमें एक छोटी प्लेट भी थी, वो मैंने नहीं ली, पर अदर देन पूरा सेट मैंने कर लिया। तो ये डिश वॉशर में जाता है, बस एक माइक्रोवेव में नहीं जाता है, पर इसकी क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। एंड आई वाज लाइक इट्स अ समर राइट, इट्स अ फन कलर, तो ये एक लिया मैंने। और बच्चों के लिए ये वाला लिया, तो उनको कप वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, तो बस ये इवन ये ले रही थी ना तो भी वो लोग मना कर रहे थे क्योंकि मैंने पिक्चर लेके उन लोगों को भेजा कि वेदर दे लाइक दिस और नॉट, सो दे वर लाइक मॉम हम छोटे थोड़ी ना है क्यों ले रहे हो ये। आई वाज लाइक नहीं यार समर है ना एंजॉय करो। तो दोनों के लिए बस ये लिया। और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या है फटाफट से, ये सब कुछ मुझे क्लीन करना है तो वो करूँगी। और यस एक और चीज़ जो मैंने मंगवाई वो आ गई है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर आई एम टेलिंग यू गाइस, नाउडेज मैं घर पे होती हूँ ना तो जो मेरे छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट अभी तक उसके ऊपर इतना मैं अटेंशन नहीं दे पा रही थी वो सब अभी मैं कर रही हूँ। तो आई एम एंजॉइंग दिस टाइम कि घर पे रह के जो भी यू नो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये जो भी मेरे प्रोजेक्ट है वो सब कुछ मैं कदम कर पा रही हूँ। तो वो जो आ गया ना वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर ये सब कुछ शुरू करते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट दिन है ना आज का वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सो पहला मेरा प्रोजेक्ट जो है ना जो मुझे बहुत बॉदर करता था वो था ये वाला, क्योंकि ये जो रग है ना वो पहले यहाँ पे थी तो वो रग इस हिसाब से बहुत लंबी थी तो मुझे उसको टक करके रखना पड़ता था, पर देन इट जस्ट डजंट लुक नाइस राइट। तो मुझे बस वो था कि मुझे उसके लिए परफेक्ट ये रग चाहिए थी क्योंकि मुझे इतनी विथ वाइज भी नहीं चाहिए थी, अदरवाइज़ यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाता,
तो वो जो साइज़ मुझे चाहिए थी ना वो मुझे नहीं मिल रही थी, तो फाइनली आई फाउंड इट। तो ये वाली रग की डिज़ाइन वगैरह आप देखो, उस रग से मिलती जुलती है। तो आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई सॉ इट, आई वॉज लाइक यू नो इट्स अ परफेक्ट मैच। तो बस उसमें खाली कलर है, इसमें सेल्फ डिज़ाइन है। अदर देन दैट इट इज़ परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये एक काम था मेरा, वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो चेयर थी तो दूसरी कहाँ गई, तो वेल दूसरी तोड़ दी हमने वैसे तोड़ नहीं, टूट गई वो चेयर। तो मुझे वो भी एक ऑर्डर करना था, तो उसके लिए भी वही था कि जो मुझे चाहिए था परफेक्ट वो मुझे नहीं मिल रहा था, पर फाइनली आई फाउंड इट। तो वो भी आज आ गया, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सो अभी थोड़ी देर पहले ही आया, तो बॉक्स में से निकाल के सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है। तो ऑब्वियसली अभी मुझे उसका असेंबली वगैरह करना बाकी है, पर जब हो जाएगा ना होपफुली आज शाम को मैं करने बैठूँगी इसको, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पर ये वाला मैंने ऑर्डर किया, तो ये फैब्रिक है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो मुझे लेदर चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ ख़राब वगैरह हो ना तो मैं इजीली क्लीन कर सकती हूँ। पर अब तो बड़े हो गए तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाला फैब्रिक एक्चुअली मेरी वहाँ की जो चेयर है ना उसके साथ एग्जैक्टली मैच होता है। सो ये वाली चेयर का फैब्रिक है ना वो उसके साथ मिलता है, तो इट इज़ परफेक्ट मैच नाउ। और ये जो फर्नीचर शॉपिंग होती है ना उसमें कभी कभी मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में है ना एक डिज़ाइन रहती है कि जब तक वो मुझे ना मिले तब तक आई डोंट सेटल डाउन फॉर एनीथिंग। तो फाइनली ये जो ब्रेकफास्ट बार है उसका तो ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा अभी चल रहा है वो है राज का रूम, तो वो भी जब ख़त्म हो जाएगा आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइस। पर चलते हैं अभी किचन में, और मैक्सिकन खाना बनाने में इतनी टाइम तो लगता नहीं है, पर वो जो चॉपिंग वगैरह है ना बस उसी में टाइम चला जाता है। तो चलते हैं फिर किचन में। एक लेके आई मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर, क्योंकि पता नहीं कहीं पे भी मुझे ये ऑल पर्पज़ फ्लावर अभी नहीं मिल रहा था। फाइनली ये यहाँ पे वेगमैन्स में ऑर्गेनिक मिल गया तो वो लिया। फिर यहाँ पे है मेरे पास ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज, कैरबेन्स बीन्स लिए, स्ट्रॉबेरी है, छोटे टमाटर, और ये है सावर क्रीम, क्योंकि मैक्सिकन खाना सावर क्रीम के बिना तो होता ही नहीं है। और उनके बाद ना ये छोटी सी क्यूकम्बर मिलती है, तो ये बच्चों को खाने में बहुत अच्छा रहता है, तो ये एक लिया मैंने। और मैक्सिकन चीज़ है, और ये वाला जो आता है ना टोटिया बॉल, तो वो एक लिया मैंने। सो किचन में जाने से पहले आई थॉट कि ये एक जो बार स्टूल है उसको मैं फिक्स करके देखती हूँ कि वो मैच होता है कि नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कुछ बाय करते हो तो कलर का इतना एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो बस मैं वो ही कर रही थी, और अच्छा तो दिखता है नो डाउट। लीव द कमेंट्स बिलो गाइस, लेट मी नो कि क्या आप सोच रहे हो, पर मुझे लगता है कि इसका कलर है ना थोड़ा ग्रेइश पे जाता है। तो अभी और भी एक चेयर मैंने देखी हुई है जो ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर दी है, तो बस उसकी आने की देर है। वो जब आ जाएगी मैं दोनों मैच करके देख लूँगी, पर मोस्ट प्रॉबेबली ये जो वाली चेयर है ना वो वापस जा रही है। सब शुरू करते हैं मैक्सिकन खाना बनाने की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिफ्राइड बीन्स। उसके लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और जैसे ही गर्म होता है हम उसमें ऐड करेंगे ओनियन। ओनियन को मैं 2 मिनट तक सौते होने दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये चिपोटले पेपर जो उसके सॉस में आता है, ये आपको कोई भी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएगा, तो वो मैं 1 टेबलस्पून जितना सा ऐड कर दूंगी। तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और अगर आपको कोई सॉस बना रहे हो मैक्सिकन सॉस उसमें भी ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो, और ये वेजिटेरियन है तो उसको बस मैं 1 मिनट तक सौते होने दूंगी। जब सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं ऐड करूंगी ये रिफ्राइड बीन्स। तो आप जब भी मार्केट से रिफ्राइड बीन्स लो तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रॉपरली चेक करके लो, क्योंकि कभी होता है कि ऊपर तो लिखा होता है कि ये वेजिटेरियन है पर अंदर उसमें लार्ड होता है, तो लार्ड इज़ बेसिकली नॉनवेज फैट है, तो ये एक चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एज अ वेजिटेरियन वी डोंट ईट ऑल दैट। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है टाको सीजनिंग।
तो मैंने दो कैन लिया था रिफ्राइड बीन्स के और उसमें ये पूरा टाको सीजनिंग का एक पैकेट मैंने ऐड किया है। तो बीन्स तो हो गए हमारे तैयार, अब हम बनाएंगे मैक्सिकन पिज़्ज़ा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है टोटिया, तो आप कोई भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे मिशन ब्रांड के यूज़ कर रही हूँ। और ये जो स्टेप है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका पिज़्ज़ा क्रंची नहीं होगा। तो सबसे पहले आगे पीछे दोनों साइड जैसे आप देख रहे हो आपको फोर्क की मदद से उसमें होल करना है। सो यू हैव टू पोक इट बोथ साइड, क्योंकि उसके बाद हम उसको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये प्रॉपर नहीं हुआ ना तो जैसे ही आप फ्राई करोगे वो फूल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्रंची नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे पैन में मेरे पास है ऑयल और आपको उसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। सो बस एक और दो मिनट लगेंगे एक साइड होने में, उसके बाद उसको फ्लिप करके आपको दूसरी साइड भी क्रंची बनानी है। तो जस्ट मेक श्योर कि उसकी गैस की जो टेम्परेचर है वो मीडियम पे है। सो अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना तो आप उसमें भी बना सकते हो। तो बस यहाँ पे टोटिया मेरे फ्राई होके बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी तरीके से वो क्रिस्पी हो जाता है। तो जब तक ये फ्राई होते हैं हम बनाएंगे अब वाकामोले। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है और जब भी मन होता है ना मैं ऐसे बना के रख देती हूँ और फिर दो तीन दिन तक मैं खाती रहती हूँ उसे। तो जो ट्रेडिशनली बाहर मिलता है उसमें तो सॉल्ट और लेमन जूस होता है, पर मैं जब बनाती हूँ अपनी तरीके से बनाती हूँ और मेरी ये जो वाकामोले होती है ना वो तीखी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये एवोकाडो को हम मैश कर देंगे और उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें ओनियन, ग्रीन चिलीज, जो ग्रीन चिलीज वो थाई चिलीज आती है ना तीखी वाली, वो मैं ऐड करती हूँ। और उसके बाद अगर आपको गार्लिक पसंद है तो थोड़ा सा गार्लिक भी आप ऐड कर सकते हो, और जाएगा सिलान्ट्रो, टमेटोज और लेमन जूस एंड सॉल्ट। बस इतनी सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड करती हूँ, पर बिलीव मी गाइस बहुत ही टेस्टी बनती है। और ऑफ कोर्स ये मैक्सिकन खाने के साथ तो आप उसको एंजॉय कर ही सकते हो, पर मैं तो कभी कभी बस ऐसे ही दो तीन स्पून ऐसे ही खा लेती हूँ, पर तीखी वाली बनती है ना तो वो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। सो ये जो मैक्सिकन खाना है ना उसको बनने में इतना टाइम नहीं जाता, पर उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना वो सब कुछ चॉप करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी कितने सारे चाहिए होता है ना। तो बस ये हमारी वाकामोले हो गई तैयार, अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो टोटिया हमने फ्राई करके रखा था वो मैं ले लेती हूँ एक, उसके ऊपर जो बीन्स बनाए वो पहले मैं स्प्रेड कर दूँगी। तो ये जो पहला वाला बना रही हूँ मैं एग्जैक्टली टैको बेल स्टाइल में बना रही हूँ, पर जो दूसरा वाला बनेगा वो मेरे स्टाइल से बनेगा। तो ऐसे बस एक बार अच्छी तरीके से बीन्स हम स्प्रेड कर दे, उसके ऊपर दूसरा वाला जो टोटिया है वो मैं रख दूँगी। और उसके बाद ये जो टैको बेल का फायर सॉस है वो मैं स्प्रेड कर दूँगी। आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हो, पर ऑफकोर्स अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो यू हैव टू यूज़ द टैको बेल सॉस। तो वो अच्छी तरीके से मैं स्प्रेड करके उसके बाद मैं ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने छोटे पीसीस में काट के रखे हैं, और उसके बाद जाएगी चीज़। तो ये मैक्सिकन ब्लेंड चीज़ है तो ऑलरेडी उसमें दो तीन अलग जो चीज़ है वो मिक्स है, तो आपको वो कोई भी सुपर मार्केट में मिल जाएगी। और उसके बाद ये पूरा पिज़्ज़ा हमारा जाएगा ओवन में, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हमें मेल्ट करनी है। तो जब भी आप ओवन में रखो मेक श्योर कि यू आर नेक्स्ट टू ओवन, क्योंकि उसको मेल्ट होने में दो मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं होगा। सो ये जो रेसिपी है ना गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आई एम श्योर एक बार आप ट्राई करोगे ना उसके बाद आपको टैको बेल मिस नहीं होगा। और अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आई एम श्योर कि उन लोगों को तो पसंद आएगा ही आएगा। और अभी ये जो टाइम चल रहा है कि बाहर से खाने ले में थोड़ा हेजिटेशन हमें रहता है, राइट? तो ऐसे घर पे हम बनाते हैं तो वी नो एग्जैक्टली कि कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें हमने ऐड किए हैं। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेरा मैक्सिकन पिज़्ज़ा, तो मेरा वाला तो बनेगा तीखा। तो सबसे पहले ऐसे बीन्स उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद मैं ऐड करूँगी ओनियन,
ऑनियन ऐड करने के बाद ये जो मेरे पास है थोड़े से हॉलोपिनोज के पीसीस है वो मैं ऐड कर दूंगी उसके ऊपर। और ये हॉलोपिनोज भी है ना आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे, तो ये ऐसे ही कट करके होते हैं तो वो इजी रहते हैं। और उसके बाद ये जो टोटिया है वो उसके ऊपर रख के फायर सॉस में रख दूंगी थोड़ा सा। सब कुछ स्प्रेड करने के बाद मैं उसमें ऐड करूंगी टमाटर, चीज जाएगी और ऑनियन भी मैं थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर दूंगी। घर पे खाना बनाने का बस यही एक एडवांटेज होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें कम ज़्यादा चाहिए वो हम अपनी तरीके से कर सकते हैं। और नो डाउट अबाउट इट, इसमें मेहनत लगती है, पर बिलीव मी गाइस, जब अपने फैमिली के साथ बैठ के हम खाना खाते हैं ना तो वो सारी थकान दूर हो जाती है, और उसके ऊपर से कोई खाने की तारीफ कर दे तो बस हमारी सब मेहनत वर्थ हो जाती है। तो ये पिज़्ज़ा को मैं अब रखूँगी ओवन में और ये पिज़्ज़ा बनके हो गया तैयार। मैंने थोड़ा गार्निश किया है ग्रीन ऑनियन से एंड और जो सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ बनके सब कुछ तैयार है। तो ओनियन है, बीन्स हमने जो बनाया है वो है, मैंने ग्रीन ओनियन कट की है, फिर यहाँ पे मैक्सिकन राइस बनाया है और ये दोनों बच्चों का जो पिज़्ज़ा बनाया है वो भी है, और सावर क्रीम है, टमाटर है, लेटस है, ऑफ कोर्स वाकामोली है हमारी। तो ये था हमारा फन फ्राइडे नाइट का डिनर। और ये जो बोट जो मैंने पहले बताई ना वो है, तो अगर आपको बरीटो खाना पसंद है तो ये बोट इस हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। और ये है टाको सैलड, तो आर्यन को वो खाना था तो बस एक टाको सैलड भी हमने बनाया है। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का डिनर और अब मेरा टाइम है रिलैक्स होने का। सो हो गया हमारा डिनर ख़त्म और किचन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया, और मैक्सिकन पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बना था। एंड आई वुड से जस्ट ट्राई दिस रेसिपी, क्योंकि वंस यू ट्राई दिस ना यू विल नॉट मिस टाको बेल का मैक्सिकन पिज़्ज़ा। उसका जो बेस है ना, बस उसका एक ही ध्यान रखना है कि मेक श्योर आप अच्छी तरीके से उसमें होल करें, तो जब आप उसको फ्राई करें ना तो वो क्रिस्पी अच्छी तरीके से हो बेसिकली। एंड जब भी आप चीज़ मेल्ट करो तो आइदर यू कैन पुट इट ऑन अ ब्रॉयल, ओवन में जब आप रखो तो ब्रॉयल पे रख सकते हो, और बस ऊपर से वो चीज़ ही मेल्ट करनी है। एंड लास्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया ना तो रेगुलर जो पिज़्ज़ा की जो प्लेट होती है ना उसी में बनाया था मैंने, तो वो नीचे से उसमें होल नहीं होते ना, तो अच्छी तरीके से जो नीचे का बेस था ना वो इतना क्रिस्पी नहीं रहा था। लाइक मैंने जब डिप उसको फ्राई किया तब वो क्रिस्पी था, पर जैसे ही ओवन से बाहर निकला ना तो वो इतना क्रिस्पी नहीं रहा था। तो फिर उसी दिन सेकेंड टाइम मैंने बनाया ना तो वो जो पिज़्ज़ा की प्लेट है मेरे पास छोटी सी क्यूज़ीन आर्ट की है वो, तो उसमें भी अंदर लाइक प्लेट में होल्स है तो नीचे से भी एयर जाती है ना, एयर प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाती है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रहे थे। लाइक नीचे उसका बेस भी क्रिस्पी रहा था, तो आज बस वही मैंने किया तो बनाए वो और बहुत ही अच्छे बने थे। तो बस आज का दिन हमारा, और यस बिफोर आई एंड दिस वीडियो वो बताना तो भूल गई मैं कि आज हमारा क्या वो ख़ास दिन था। तो आज एक्चुअली राज की एपी एग्ज़ाम्स थी, तो आज थी और एक अभी आ रही है नेक्स्ट वीक, तो आज की जो एग्ज़ाम्स थी ना वो बहुत बड़ी थी उसकी, तो वो फाइनल एग्ज़ाम्स थी कॉलेज की और मैथ की थी, तो ऑफकोर्स हम थोड़े स्ट्रेस थे उस हिसाब से कि भाई सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए ना, बट और वो थी 4 बजे, शाम को 4 बजे थी, तो पूरा दिन वो स्ट्रेस में जाता है ना कि क्या होगा करके, पर थैंक गॉड ही डिड रियली वेल। तो ऑफकोर्स रिजल्ट तो हमें पता नहीं है, वो तो शायद आएगा आई गेस एंड ऑफ दिस मंथ, तो वो तो पता नहीं है, पर ही सेड दैट ही डिड इट वेरी वेल, सो दैट्स इट। और तो इसीलिए बस थोड़ा
यू नो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस लाइक वो था कि वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू नो अच्छी तरीके से इंटरनेट रन कर रहा है. हम इतने हमारे गैजेट्स उस टाइम पे चालू नहीं है तो इसके भी जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाए, तो उस हिसाब से हमने टीवी बंद कर दिया था. कोई हम यू नो हमारे फ़ोन वोन कुछ हम चेक नहीं कर रहे थे उस टाइम, जस्ट बिकॉज कि उसको प्रॉपरली इंटरनेट की स्पीड मिल जाए. तो इट वॉज फॉर अबाउट एन आवर और सो, तो ही डिड इट वेरी वेल. तो बस उसका आज काम हो गया और खाना भी बहुत अच्छा बना था, तो दैट्स इट. आज का दिन तो ख़त्म अब. So that's it guys, I'm gonna end this vlog. I'm just gonna go and take a shower now and फिर नीचे जाके चाय बनाऊँगी. चाय है ना, ऐसा कोई भी खाना खाता है उसके बाद पता नहीं क्यों चाय तो अपनी याद आती है कि चाय पी लो ना, तो बस that's it, the end हो गया proper तरीके से. तो बस नीचे जाके चाय बनाऊँगी. I hope आपका भी Friday बहुत अच्छा रहा होगा and I will see you guys in my next video. So take care, good night, bye.